अस्सलामुअलैकुम, हम ओ लेवल्स की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं और उसमें हम फर्स्ट लेसन जिसमें इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग थी वो देख चुके हैं और अब कुछ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को हम स्टार्ट करते हैं। और मैंने, अगर आपको याद हो तो, एक की बना दी थी आपको कि अगर एसेट, जो भी चीज़ एसेट है वो बढ़ती है तो डेबिट होती है और कम होती है तो क्रेडिट होती है। हर वो चीज़ जो एक्सपेंस होगी, बिज़नेस चलाने के लिए एक्सपेंस किया होगा आपने, बढ़ती है तो डेबिट होती है, कम होती है तो क्रेडिट होती है। मैंने कहा था एसेट और एक्सपेंस यूँ भाई भाई हैं, एक जैसे बिहेव करते हैं। और हमने कहा था कि तीन बहनें भी हैं और वो कौन कौन सी थी, सेल्स कह लें, रेवेन्यू कह लें। रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, कम होता है तो डेबिट होता है। सिमिलरली लायबिलिटीज़ बढ़ती हैं तो क्रेडिट होती हैं, कम होती हैं तो डेबिट होती हैं। इसी तरह से ओनर्स इक्विटी, जो पैसे ओनर्स ने लगाए हैं, जब बढ़ेंगे तो क्रेडिट होंगे, जब कम होंगे तो डेबिट होंगे। तो ये की मैंने आपको बता दी थी। इस की को सामने रखते हुए अब हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल हैं। इस एग्जाम्पल को लेते जाएंगे हम, एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे, इससे हमें पूरा का पूरा अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट और साइकिल समझ में आना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, हम बनाएंगे कैसे अकाउंटिंग का? पहला जो डॉक्यूमेंट होता है जो हम बनाते हैं उसको कहते हैं जनरल जर्नल। जनरल जर्नल जो है उसमें सबसे पहले जो है वो हम चीज़ें आमतौर पर रिकॉर्ड करते हैं। उसके अलावा भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन जब हम लर्निंग कर रहे होते हैं तो हम जनरल जर्नल को सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें जो है वो अभी हम समझने के लिए क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे डेट का या एंट्री नंबर कह दें उसको फ़िलहाल, अगर ज़रूरत समझें तो। एक कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर्स का, इसको थोड़ा सा लंबा रखेंगे। एक बनाएंगे डेबिट की साइड और एक बनाएंगे क्रेडिट की साइड, ठीक है। उसके बाद जो भी कुछ बिजनेस में फाइनेंशियली हो रहा होगा उसको रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे। देखते हैं रिकॉर्डिंग कैसे होती है। सबसे पहले देखिए, रमीज़ साहब का बिज़नेस है, ये रमीज़ राजा एंड को कंपनी का नाम है। रमीज़ साहब का बिज़नेस है जिन्होंने 10 मिलियन रुपीज़ बिज़नेस में ऐसे लगाए हैं कि 8 मिलियन जो हैं वो इन्होंने बैंक में रखे हैं और बाकी कैश रखे हैं। 10 मिलियन लगाए हैं, 8 मिलियन बैंक में, बाकी कैश में। तो देखिए कि हम डबल एंट्री सिस्टम में क्या करते हैं, जो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम है इसमें क्या करते हैं कि कोई ना कोई एक चीज़ कम से कम डेबिट होगी और कम से कम कोई ना कोई एक चीज़ क्रेडिट होगी, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो रमीज़ एंड को ने पैसे लगाए हैं 10 मिलियन, तो रमीज़ एंड को की ओनर इक्विटी बढ़ी है। जब ओनर इक्विटी बढ़ती है तो क्या होती है, ओनर इक्विटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। अच्छा, हम पहले ढूंढेंगे डेबिट क्या होता है। तो हमारे बिज़नेस के लिए बैंक में पैसे बढ़ गए और बैंक एक एसेट है, जब वो बढ़ती है तो डेबिट होती है। तो हम डे वन की एंट्री कर रहे हैं, हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कितनी अमाउंट से बढ़ा, 8 मिलियन से, और साथ में कैश भी कुछ दिया उसने। कैश अकाउंट डेबिट कितने, 2 मिलियन से। और उसके बाद हमने क्या किया, मिस्टर रमीज़ अकाउंट क्रेडिट कर लिया 10 मिलियन से। यूँ हमारी पहले दिन की एंट्री कंप्लीट हो गई। देखिए, मैंने एक काम किया है कि जो डेबिट वाली हैं उनको थोड़ा सा लेफ्ट के करीब रखा है और जो क्रेडिट वाली है उसको थोड़ा सा लेफ्ट से हटा के लिखा है, ठीक है। ऐसा लिखना कन्वेंशनली अच्छा रहता है, ज़रा आसान हो जाता है चेकर के लिए या ख़ुद अकाउंटेंट के लिए ये रिव्यू करना कि डेबिट की एंट्री कौन सी थी और क्रेडिट की कौन सी थी, ठीक है। ये पहले दिन की एंट्री हो गई। दूसरे दिन की एंट्री देखते हैं। डे टू में फरमाया है कि परचेज इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुमरो एंड को ₹950। इक्विपमेंट हमारी एसेट है, जब वो बढ़ेगी तो हमारी
एसेट बढ़ेगी, एसेट बढ़ने पे क्रेडिट डेबिट होती है, और पैसे हमने कोई दिए नहीं है तो क्रेडिट क्या होगा कि हमारे ऊपर सुमरो साहब का उधार बढ़ गया है, वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? अमाउंट बनती है जनाब 950,000, और हमने यहाँ पे इक्विपमेंट ख़रीदी है। तो इक्विपमेंट चूँकि ख़रीदी है, इक्विपमेंट एक एसेट है, तो इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट होगा 950,000 से, और सुमरो एंड को क्रेडिट होगा 950,000 से। अभी आपके लेवल पे याद रखने के लिए हम यहाँ पे अकाउंट पेबल भी लिखेंगे। मैं चौका कम है तो अकाउंट पेबल शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप फुल भी लिख सकते हैं। ये डे टू की एंट्री है। इस बात का ख्याल रखना है कि एंट्री में टोटल डेबिट और क्रेडिट आइटम्स मिला के अमाउंट सेम होनी चाहिए। तो ये 8 मिलियन और 2 मिलियन मिला के 10 मिलियन बन गया, ये 9.5 लाख 9.5 लाख बराबर हो गया। अगली एंट्री देखते हैं जी। अगली एंट्री में हमसे पूछ रहे हैं कि परचेज गुड्स फॉर सेल ऑन क्रेडिट फ्रॉम अलीम एंड को 5 लाख रुपए के। देखते हैं इसकी एंट्री कैसे बनती है। 5 लाख रुपए के गुड्स ख़रीदे, इसको हम कहते हैं अपनी अकाउंटिंग की टर्म में परचेजेस। वो सामान जो बेचने के लिए ख़रीदा जाए उसको परचेजेस कहते हैं। ये एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो डेबिट तो हमें मिल गया। क्रेडिट क्या होगा? अलीम एंड को से चूँकि ख़रीदा है तो अलीम एंड को की लायबिलिटी हमारे ऊपर बढ़ गई है। जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो अलीम एंड को जो है वो क्रेडिट होगा 5 लाख से। और जैसे मैंने कहा आपके लेवल पे हम इसमें अकाउंट पेबल भी लिखेंगे ताकि हमें याद रहे कि अकाउंट पेबल था। ठीक है जी। सुमरो साहब से हमने इक्विपमेंट उधार ख़रीद ली, हमने गुड्स ख़रीद लिए अलीम एंड को से, फिर हमने गुड्स बेच दिए उधार पे एक सईद ब्रदर्स को 2.5 लाख रुपए के। देखें जी इसकी एंट्री कैसे होगी। 2.5 लाख रुपए के गुड्स बेचे कौन से ब्रदर्स को? सईद ब्रदर्स को 2.5 लाख रुपए के गुड्स बेचे। अच्छा, जब गुड्स बेचते हैं जो पैसे आते हैं वो रेवेन्यू कहलाते हैं। रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट तो हमें मिल गया कि 2.5 लाख रुपए का क्या होगा, वो होगा सेल्स। लेकिन पहले हम हमेशा डेबिट लिखते हैं। डेबिट क्या होगा? पैसे तो आए नहीं, तो पैसे आए नहीं लेकिन आने का वादा है, ये कहलाते हैं अकाउंट रिसीवेबल। और अकाउंट रिसीवेबल भी हमारी एसेट होती है, और एसेट बढ़ती है तो फिर डेबिट होती है। तो अकाउंट रिसीवेबल सईद एंड को, गालिबन सईद एंड को था, सईद ब्रदर्स था। अकाउंट रिसीवेबल सईद ब्रदर्स, इसको हम सईद ब्रदर्स कर देते हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल सईद ब्रदर्स डेबिट होगा 2,50,000 से, और सेल्स क्रेडिट होगी 2,50,000 से। ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारी एंट्री नंबर 5। हमसे पूछा जा रहा है कि पेड रेंट रुपीज 200,000 थ्रू बैंक। अच्छा जी, अब इसको क्या करें? बैंक में अमाउंट कम हो गई होगी तो वो क्रेडिट होगी, ठीक है, लेकिन डेबिट क्या होगा? ये रेंट एक्सपेंस है तो हम इसको लिखेंगे रेंट एक्सपेंस डेबिट 2 लाख रुपए से, और बैंक क्रेडिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट 200,000 से। ये डे 5 की एंट्री हो गई। नेक्स्ट डे उठाते हैं, थोड़ी सी इसकी शक्ल बना लें वैसे ही वापस से। डेट पर्टिकुलर्स डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है जी, डे 5 तक हम कर चुके हैं, डे 6 से शुरू करेंगे। डे 6 में पूछा जा रहा है जनाब के सोल्ड गुड्स एंड रिसीव चेक ऑफ 700,000। बैंक में पैसे आ गए
सामान बेचा और बैंक में पैसे आ गए, तो बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट होगा क्योंकि 7 लाख रुपए बैंक में आए। और जब सामान बेचते हैं तो हम उसको कहते हैं सेल्स, 7 लाख की सेल हो गई। ठीक है, ये कौन सी तारीख थी? 6 तारीख थी या 6वां दिन था। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि परचेज गुड्स फॉर सेल, ये परचेजेस कहलाती हैं, कितने 25 लाख की बैंक के थ्रू 25 लाख की गुड्स खरीदे फॉर सेल। तो जब हम गुड्स फॉर सेल खरीदते हैं वो एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। परचेजेस अकाउंट 25 लाख और कहाँ से गए पैसे? ये बैंक से 25 लाख। ठीक है, ये 7वें दिन की एंट्री थी। 8वें दिन क्या हुआ? 8वें दिन रिसीव्ड अमाउंट फ्रॉम सईद ब्रदर्स 1.5 लाख रुपए बैंक में। तो ये फटाफट हमने रिकॉर्ड कर लिया, 1.5 लाख रुपए सईद ब्रदर्स से बैंक में। तो बैंक में पैसे बढ़े, बैंक डेबिट होगा क्योंकि बैंक एसेट है और एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है। बैंक में पैसे बढ़े 1.5 लाख रुपए और जो हमारी एक एसेट थी जो हमने सईद साहब से पैसे लेने थे, अकाउंट रिसीवेबल, वो कम हो गई। एसेट कम होती है तो क्रेडिट होती है, तो अकाउंट रिसीवेबल सईद ब्रदर्स कम हो गई 150,000 से। अब हम चलते हैं आगे 9वीं तारीख को। 9वीं तारीख को क्या हुआ था? गेव कैश टू अलीम एंड को ₹300,000। अलीम एंड को से जो उधार लिया हुआ था 3 लाख रुपए वापस कर दिया, 3 लाख रुपए अलीम एंड को वापस कर दिया। अब अलीम एंड को हमारा हमसे पैसे ले गया, किससे वापस किया? कैश दिया, बैंक दिया, कैश दिया, तो कैश कम हो गया होगा, कैश तो क्रेडिट हो गया, हमें पता है। डेबिट क्या होगा? पहले डेबिट मालूम करना चाहिए। तो अलीम एंड को जो उधार दिया था वो कम हो गया हमारे पास, अलीम एंड को ने हमसे हमको उधार दिया था वो अमाउंट कम हो गया, तो लायबिलिटी कम होने पर डेबिट होती है, इसलिए अकाउंट पेबल अलीम एंड को जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, 9। अब 10 तारीख को क्या हुआ? पेड सैलरी थ्रू बैंक 1 मिलियन 10 लाख की। सैलरी जो है वो एक्सपेंस है, तो सैलरीज एक्सपेंस जब बढ़ेगा तो डेबिट होगा 1 मिलियन और कहाँ से गया? बैंक से, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा 1 मिलियन। ठीक है, अब देखते हैं 11 तारीख को सोल्ड गुड्स टू नदीम एंड को, कितने के बेचे थे? 30 लाख का सामान बेचा जिसमें से, ये ज़रा गायब करूँ मैं, 30 लाख का सामान बेचा जिसमें से 10 लाख जो हैं वो बैंक में आए और बाकी क्रेडिट थे। किसको? नदीम एंड को। ओके, नदीम एंड को क्या तारीख थी भाई? 11 तारीख थी। नदीम एंड को सामान बेचा तो के बैंक में तो आ गए 10 लाख रुपए, तो ये तो पहले हम लिख देते हैं बैंक डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपए। ठीक है, और चूंकि बाकी पैसे नदीम एंड को ने वापस करने हैं हमें, तो वो हमारा अकाउंट रिसीवेबल हो गया। अकाउंट रिसीवेबल एक एसेट होती है, जब बढ़ती है तो डेबिट होती है। नदीम एंड को ये हो गई 2 मिलियन और टोटल मिला के हमारी सेल्स हुई, ये हमने सामान बेचा, सेल्स अकाउंट, ये हो गई 3 मिलियन। ये एंट्री कंप्लीट हो गई 11 तारीख की। फिर हम जगह थोड़ी बनाते हैं, 12-13 तो रह गए, तो पहले जगह बना लें। डेट पर्टिकुलर्स डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो हम देखते हैं 11 तक की होगी, 12 को क्या हुआ? 12 को परचेज वैन थ्रू
बैंक ₹120,000, तो 12 तारीख को वैन परचेज की, वैन एक एसेट है, तो वैन अकाउंट कितनी अमाउंट से, 12 लाख से, 12 लाख, 1.2 मिलियन, और वैन अकाउंट बढ़ गया और कम क्या हुआ, हमने कहाँ से ख़रीदी थी, बैंक के थ्रू ख़रीदी थी, तो बैंक अकाउंट में से कमी आ गई होगी, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया होगा, ठीक है। तो ये एक एंट्री कंप्लीट हो गई हमारी। नेक्स्ट सवाल है 13 की डेट को, सोल्ड गुड्स ऑन कैश 12,50,000, 12,50,000 का सामान कैश में भेज दिया हमने, ओके लेट्स सी कि 12,50,000 का सामान कैश पे कैसे लिखेंगे हम, ठीक है। 13 तारीख कैश आया होगा तो कैश डेबिट है, कैश एक एसेट है, एसेट बढ़ती है और डेबिट होती है, 12,50,000। और हुआ क्या, ये इसको हम जब सामान बेचते हैं तो सेल्स कहते हैं, 12,50,000। और 13 तारीख की एक और एंट्री है, आखिरी एंट्री है इस सवाल की, कि रिसीव्ड 800,000 फ्रॉम नदीमैन को इन बैंक, नदीमैन को से जो पैसे लेने थे वो कम हो गए और वो 8 लाख रिसीव हो गए। अब पहले तो बैंक में पैसे आ गए, बैंक डेबिट हो जाएगा आराम से, बैंक अकाउंट डेबिट 800,000, और नदीम एंड को क्रेडिट 800,000। ये हमारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अच्छा, इसमें एक मालूमात आखिर में और दी हुई है जो हमारे इस्तेमाल आएगी, वो मालूमात इस्तेमाल में आएगी, वो मालूमात क्या है कि ओपनिंग स्टॉक 0 था और क्लोजिंग स्टॉक 11 लाख था। इसका क्या मतलब है ये हम इंशाल्लाह जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो फिर हम आपको समझाएंगे। तो यहाँ मैंने आपको जनरल की एंट्रीज़ की एक एग्ज़ाम्पल क्लियर कर दी है। इसी एग्ज़ाम्पल से मैं अब अगले स्टेप में जाना चाहता हूँ। हमारा अगला स्टेप जो है, जो अकाउंटिंग का नेक्स्ट स्टेप होता है, वो क्या होता है, उसको हम कहते हैं जनरल लेजर। ये था जनरल जर्नल, वो है जनरल लेजर, लेजर LEDGER, ठीक है। ये था जनरल जर्नल, वो होगा जनरल लेजर। जनरल लेजर को हम लोग आपस में बात करते करते हंसी मजाक से टी अकाउंट्स भी कहते हैं, टी अकाउंट्स। और यहाँ से आपके अकाउंटिंग ग्रिप में आना शुरू होती है। अभी तक सिर्फ रिकॉर्डिंग हो रही थी और उस रिकॉर्डिंग में कोई ग्रिप नहीं थी, लेकिन अब चीज़ें ग्रिप में आएंगी। वो कैसे आएंगी, जनरल लेजर के अंदर क्या करते हैं हम, एक चार्ट ऑफ अकाउंट बनाते हैं। व्हाट इज़ चार्ट ऑफ अकाउंट, ज़रा साफ सुथरी जगह पे बनाता हूँ ताकि आपको समझ में भी आए। चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है कि हम एक तरह से जितने भी हमारे अखराजात या जो भी हमारे अकाउंट्स होते हैं जिसमें हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, जो जो हमारे बिजनेस में हमें डील करने पड़ रहे हैं, उन सब के एक एक पेज बनाते हैं अलग से, सेपरेट पेज बनाते हैं उनका अलग से, ठीक है। तो यहाँ पे उस सेपरेट पेज को मैं कुछ लाइनों से शो करूँगा और वो लाइनें देखने में ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने टी बनाया है, इसलिए इसको प्यार मोहब्बत से टी अकाउंट भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आता है रुपीस, और ये साइड है डेबिट, ये साइड है क्रेडिट, ठीक है। और ये नाम लिखा जाएगा इस पे उन चीज़ों का जो जो चीज़ें मेरे पास इस्तेमाल हुई हैं। ज़रा आप लोग अपनी अपनी जनरल खोलें जो अभी लास्ट अकाउंट का बनाया है, शाबाश जल्दी से, और मुझे एंट्रीज एक एक करके बताते जाइए, सिर्फ नाम बताते ही अमाउंट छोड़ दीजिए। पहला नाम बताइए, क्या डेबिट हुआ था, कैश डेबिट, तो यहाँ बनेगा एक कैश का अकाउंट। और कौन सा अकाउंट बनाया हमारे पास, उसके बाद क्या हुआ है, बैंक कैश नहीं, खाली बैंक, बाजी बैंक के आगे से कैश मिटा दें, बैंक अकाउंट, ऐसी रुपीज आएगा उसमें भी, ये साइड क्रेडिट होगी, ये साइड डेबिट होगी, ओके। और फिर क्या है, रमीज भाई की इक्विटी, ओनर इक्विटी,
रमीज अकाउंट, यहाँ रुपीज आएंगे, यहाँ क्रेडिट आएगा, यहाँ डेबिट आएगा, और क्या है उसके बाद क्या आया, इक्विपमेंट डेबिट में, अच्छा इक्विपमेंट अकाउंट, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये रुपीज़ है, ये रुपीज़ है, और बताएं। ओके सुमरो, क्या है अकाउंट पेबल है, डेबिट क्रेडिट, और क्या है परचेजेस, ये हर जो मैं टी अकाउंट बना रहा हूँ ये असल में एक अलग पेज है, ये ध्यान में रखिएगा, ये एक अलग पेज है, डेबिट क्रेडिट। अच्छा जगह ख़त्म हो गई, और जगह ले लें जी। परचेज के बाद क्या है अभी, अलीम एंड को का बना तो नहीं है, नहीं सुमरो का बना है, बस जिसका बना हुआ वो दोबारा नहीं बनेगा, ख्याल रखिएगा। अलीम एंड को अकाउंट पेबल और अकाउंट पेबल, अकाउंट रिसीवेबल सईद ब्रदर्स, और सेल्स का एक अकाउंट बना दिया हमने, और रेंट का एक अकाउंट बना दिया हमने, और बैंक पहले नहीं आया, पहले यूज़ नहीं हुआ था बैंक, हुआ था ना बैंक, ये रहा बैंक, जब एक दफ़ा यूज़ हो गया दोबारा नहीं आएगा, और अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम सईद ब्रदर्स या सलीम ब्रदर्स, पहले कौन सा बना था, सईद ही बना था, डी सही लिखा मैंने, तो अकाउंट रिसीवेबल सईद ब्रदर्स पहले लिखा हुआ है, और एलिमेंट को बना हुआ है, और सैलरीज एक्सपेंस ये बना दिया हमने, और नदीमन को नया है, ओके नदीमन को बना दिया, वैन बना दिया, और बस ख़त्म हो गया। ओके अब ज़रा हम शुरू से देखते हैं फटाफट हमारे पास कौन कौन सी एंट्रीज मौजूद थी। अच्छा जी अब हम शुरू करेंगे अपने काम असल, शाबाश, आप लोग भी अपने अपने पास अब ये टी अकाउंट बनाने की तैयारी करें, आप लोग अपनी कॉपी में इस तरह से बनाएं कि एक पेज पे 6 टी बना लीजिए। एक पेज पे 6 बनाने का क्या मतलब होगा, मतलब ऐसे करेंगे आप जल्दी जल्दी में ये थोड़ी जगह छोड़ छोड़ के ऐसे बनाएंगे, ठीक है, एक पेज पे 6 टी अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। पहले टी अकाउंट बना लिया आपने एक पेज पे 6, और फिर आपने फटाफट जनरल जनरल को देखना शुरू किया और एंट्रीज करना शुरू कर दी, वो कैसे करी, आपने कहा पहली एंट्री क्या हो रही है, बैंक में कितने पैसे आए, डेबिट हुए, कितने हुए, तो बैंक एक टी अकाउंट बनाए जिसका ऊपर नाम बैंक रखा हो आपने, टी अकाउंट के ऊपर लिखिए बैंक, ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है टी अकाउंट जिसके ऊपर बैंक लिखा हुआ है, करीब हो जाए थोड़ा सा, बैंक क्या हुआ था 8 लाख से डेबिट हुआ था, 8 लाख रुपए लिखेंगे यहाँ पे 800,000, और 8 लाख से डेबिट क्यों हुआ था, उसके अगेंस्ट क्या चीज़ थी वहाँ पे लिखी हुई, नहीं बेटा जगह छोड़ेंगे, लिखने की जगह चाहिए यहाँ पे, आपने बिल्कुल कोने से लिख दिया, ये मैंने राइट पे दीवार से मिला के लिखा है, बैंक 8 लाख से 8 लाख से डेबिट क्यों हुआ था, क्रेडिट क्या हुआ था उस वक्त, रमीज राजा क्रेडिट हुआ था, ये देखिए बैंक डेबिट हुआ था, क्रेडिट में रमीज राजा था। तो जब हम टी अकाउंट बनाते हैं तो अपनी याददाश्त के लिए ये ज़रूर बताते जाते हैं कि ये बैंक जो डेबिट हुआ था 8 लाख से, उस वक्त क्रेडिट जो हुआ था वो रमीज हुआ था, ये याद रखने के लिए यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें डेट्स वगैरह भी आती हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए कि पूरा प्रोसेस हुआ कैसे था वो क्या वो समझा रहा हूँ आपको।
अच्छा जी, अगली एंट्री में क्या लिखा हुआ है? कैश डेबिट हुआ है, कितनी अमाउंट से? अच्छा 8 लाख नहीं है, 8 मिलियन है भाई, ये 8 मिलियन है, ये गलती नहीं कर दिएगा। कैश जो है वो 2 मिलियन से हुआ हुआ है। पेन की निब थोड़ी पतली कर लेते हैं और पतली कर लेते हैं, ठीक है। कैश भी क्यों डेबिट हुआ था? क्योंकि रमीज क्रेडिट हुआ था, ठीक है। उसके बाद तीसरी एंट्री क्या है? रमीज भाई क्रेडिट हुए हैं। उसके बाद तीसरी एंट्री क्या थी? आप और कीजिए, याद से देखिए अपने पास। के कहां गया ये है, सॉरी, ये देखिए रमीज भाई क्रेडिट हुए हैं, कितनी अमाउंट से? 10 मिलियन से। ओके, रमीज का एक अकाउंट बनाइए अपने पास, अपने पास रमीज का एक अकाउंट बनाइए और उसको क्रेडिट कर दीजिए 10 मिलियन से। लेकिन उसके पास लिख दीजिए अमाउंट कैसे कैसे, 10 मिलियन से डायरेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि 8 मिलियन का बैंक था, 2 मिलियन कैश था, तो ऐसे ही करेंगे रमीज को कि 8 मिलियन जो है वो मैं दिखा रहा हूँ ना, ये देखिए 8 मिलियन, ये देखिए 8 मिलियन और 2 मिलियन ऐसे करेंगे कि ये बैंक से आए थे और ये कैश से आए थे, ऐसे करेंगे रमीज को। बैंक में 2 मिलियन थोड़ी लिखे थे, बैंक में 8 मिलियन लिखे थे, कैश का अकाउंट बनाया था उसमें 2 मिलियन लिखे थे, और रमीज का अकाउंट बनाया उसके अंदर 8 मिलियन और 2 मिलियन दोनों लिख दिए। ये डबल एंट्री पहले वाली हमारी कंप्लीट हो गई, पहली एंट्री की डबल एंट्री कंप्लीट हो गई, 2 डेबिट हुए और 2 क्रेडिट हो गए। बात समझ आ रही है? अभी सिर्फ हम छाप रहे हैं, इसमें कुछ सोचना नहीं है, जो वहां पे जनरल में लिखा हुआ है उसको छापते जाना है बस हमें, ठीक है। अगली एंट्री बताऊं, ये हो गया आपने, लिख लिया कैश, बैंक और रमीज, तीनों अकाउंट बन गए आपके। सबाबाजी बन गए, रमीज की क्रेडिट साइड पे लिखा है ना, बेटा थोड़ा देखभाल ये करें ना, रमीज की आपने डेबिट साइड पे लिख दिया, अमाउंट लिख दी, ये नहीं लिखा कैश था बैंक था, पहले कैश और बैंक लिखते हैं बाद में अमाउंट लिखते हैं, पहले सलत हो रहा है ना काम, अच्छा नहीं हो रहा। देखिए आप यहाँ देख रही है मैंने कैसे लिखा है, इसको क्यों नहीं देखना चाह रही, करीब आ जाइए, मैंने करीब आने से मना ही नहीं किया। अब मैं जनरल की नेक्स्ट एंट्री पे जाता हूँ। जनरल की नेक्स्ट एंट्री डे 2 की जो है उसमें क्या है, उसमें जो है वो आपकी 9.5 लाख की इक्विपमेंट और सुमरो के अकाउंट हैं। 2 अकाउंट बना लें, एक के ऊपर इक्विपमेंट लिख लें, एक के ऊपर सुमरो लिख लें, ठीक है। मैंने तो पहले ही बनाया, मैं आप लोगों को समझाने के लिए। एंट्री क्या पास हुई थी आपको याद है? इक्विपमेंट डेबिट हुई थी, कितनी अमाउंट से? 9.5 लाख से, याद है? इक्विपमेंट डेबिट हुई थी 9.5 लाख से, तो इक्विपमेंट में 9.5 लाख रुपए डेबिट कर देंगे। और उसके आगे लिखेंगे क्यों डेबिट हुई इक्विपमेंट, इक्विपमेंट क्यों डेबिट हुई? सुमरो की वजह से, अकाउंट पेबल सुमरो, और सुमरो क्या हुआ था? क्रेडिट हुआ था, सुमरो को क्रेडिट कर देते हैं। क्यों क्रेडिट हुआ था? इक्विपमेंट की वजह से। बस ये देखिए, इक्विपमेंट जो है वो डेबिट हुई थी, तो यहाँ भी इक्विपमेंट के अकाउंट को डेबिट कर दिया, ये याद रखने के लिए कि क्यों डेबिट हुई, सुमरो लिख दिया। सुमरो क्रेडिट हुआ था तो सुमरो के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, ये याद रखने के लिए कि क्यों क्रेडिट हुआ था, लिख दिया कि इक्विपमेंट की वजह से क्रेडिट हुआ था, ठीक है। अब अगली आप खुद करके दिखाइए, शाबाश मुझे।
मैं आवाज़ में खामोशी से करता हूँ, जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको नजर आएगा, लेकिन जो यहाँ पे बैठे काम कर रहे हैं वो अगली वाली मुझे बना के दिखाइए क्या होगा, टी अकाउंट नेक्स्ट कैसे बनेगा, नेक्स्ट एंट्री है क्या, परचेजेज है और अकाउंट पेबल अलीमेंट को है। देखिए आप लोग कैसे बनाते हैं, एक मैं खामोशी से बनाता हूँ। अमाउंट क्या बन रही है, 5 लाख की, परचेजेज और अलीमेंट को। परचेजेज और अलीमेंट को 5 लाख से, मुझे मत देखें, बेमानी नहीं करें, 5 लाख। पहले मैं खामोशी से लिख लूँ तो इन लोगों को बताऊंगा। चलें जी, अब आप लोग दिखाइए, हो गया आप लोगों का, आपने कौन कौन से 2 अकाउंट बनाए। परचेजेस के अकाउंट को डेबिट किया, वहाँ पे लिखा है अलीम की वजह से हुआ है, शाबाश। ये देखिए हमने भी यही किया है, परचेजेस के अकाउंट को डेबिट की साइड पे लिखा है, उसके ऊपर लिखा है अलीम एंड को की वजह से डेबिट हुआ है। और अलीम एंड को का एक अकाउंट बना के, अलीम एंड को का एक अकाउंट बना के अकाउंट पेबल अलीम एंड को का अकाउंट बना के हमने उसमें लिख दिया है परचेज की वजह से इसको क्रेडिट किया है, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट 7 लाख से और सेल्स अकाउंट क्रेडिट 7 लाख से। तो बहुत आसान है, बैंक में जाके 7 लाख लिखूंगा डेबिट साइड पे, सेल्स पे जाके 7 लाख लिखूंगा क्रेडिट साइड पे। ये देखिए बैंक में जाके मैंने, बैंक में जाके 7 लाख लिखे डेबिट साइड पे, और सेल्स में जाके 7 लाख लिखे क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे अब सेल्स में याद रखने के लिए कहां से आई, बैंक लिख दिया, और बैंक में याद रखने के लिए कहां से आया, सेल्स लिख दिया। कुछ पल्ले पड़ रही है बात, ओके, बहुत मुश्किल तो नहीं है, नहीं है। अब देखते हैं अगली अमाउंट, परचेजेस और बैंक, परचेजेस डेबिट हुई कितनी, 25 लाख से, और बैंक क्रेडिट हुआ 25 लाख से। चले जी ये देखते हैं चल के, पहले परचेज का अकाउंट बनाऊंगा, उसमें डेबिट की साइड पे लिख दूंगा। परचेज का अकाउंट कहाँ है जी, परचेज का अकाउंट यहाँ है, परचेज का अकाउंट बनाऊंगा और उससे 25 लाख लिख दूंगा, ठीक है। और बैंक का अकाउंट बना हुआ है उसमें क्रेडिट पे 25 लाख लिख दूंगा। अब बैंक के अकाउंट में 25 लाख क्यों क्रेडिट किए थे, परचेज की वजह से। अब परचेज ने 25 लाख क्यों डेबिट किए थे, बैंक की वजह से, ठीक है। ये हो गया काम, अब देखें एंट्रीज थोड़ी फास्ट होना शुरू हो गई हैं। अब है बैंक और सईद ब्रदर्स 1.5 लाख, बैंक डेबिट, सईद ब्रदर्स क्रेडिट 1.5 लाख से, ओके गुड। बैंक को डेबिट करूंगा, सईद ब्रदर्स को क्रेडिट कर दूंगा फटाफट जाके। ये देखिए बैंक को डेबिट 1.5 लाख से और सईद ब्रदर्स को क्रेडिट, सईद ब्रदर्स अगले पेज में मेरे पास, सईद ब्रदर्स को क्रेडिट 1.5 लाख से। अब सईद ब्रदर्स के बराबर में लिख दूंगा क्यों क्रेडिट किया मैंने इनको, बैंक की वजह से। और बैंक में जाके बताऊंगा कि बैंक को क्यों डेबिट किया, सईद ब्रदर्स की वजह से। ये अकाउंट रिसीवेबल थे पेबल थे, नहीं पेबल थे, अकाउंट पेबल सईद ब्रदर्स, फिर बैंक का बैंक डेबिट हुआ है, हाँ अकाउंट रिसीवेबल है, ठीक है। यहाँ भी मैं चेक कर लूँ अकाउंट रिसीवेबल, हाँ अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है ठीक है। अब एंट्रीज देखें फास्ट फास्ट हो रही हैं, फटाफट अगली करते हैं। अकाउंट पेबल अलीम साहब को 3 लाख गए हैं
और कैश में से कटे हैं, बहुत आसान है। अकाउंट पेबल अलीम और कैश, कैश में से 3 लाख कटे हैं और अकाउंट पेबल अलीम को डेबिट हुआ है, तो अलीम अकाउंट पेबल अलीम में 3 लाख रुपये लिखूँगा। अब मैं हाथ के हाथ यहाँ कैश भी लिख दूँगा क्योंकि मुझे याद हो गया कि मैं यहाँ कैश क्यों लिखता हूँ, और कैश में मैं 3 लाख रुपये लिखूँगा और उसके आगे अकाउंट पेबल अलीम लिख दूँगा। ठीक है जी, अगली एंट्री पे फटाफट आ गए हम, मामला निमटता जा रहा है भाई। सैलरी एक्सपेंस और बैंक 10 लाख रुपए। ओके लेट्स सी के आप लोग पहले करते हैं कि मैं पहले करता हूँ। बैंक क्रेडिट हुआ है 10 लाख रुपए से और मैं हाथ के हाथ ही लिख दूंगा उसमें कि क्यों क्रेडिट हुआ, सैलरीज की वजह से, क्योंकि मुझे याद हो गया है कि ऐसा करना होता है। और सैलरीज को मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा 10 लाख रुपए से और लिख दूंगा बैंक से आई थी। अगली एंट्री पे आ जाते हैं, कितना हाथ फास्ट चल रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। कंपाउंड एंट्री है, ज़्यादा ध्यान से करनी है। सेल्स में 2 दफ़ा एंट्री होगी, 30 लाख की सेल्स है, 20 लाख नदीम को है और 10 लाख बैंक को है। तो पहले 10 लाख से बैंक डेबिट होगा और 20 लाख से नदीम डेबिट होगा। ठीक है जी, तो फटाफट मैं 10 लाख से बैंक डेबिट करता हूँ, 10 लाख से, और उसके आगे लिखता हूँ सेल्स, सेल्स की वजह से डेबिट हो रहा है। इसी तरह से मैं 20 लाख से नदीम को डेबिट करता हूँ, नदीम कहाँ है भैया, ये रहा, नदीम को 20 लाख से डेबिट करता हूँ। ठीक है, और नदीम को ही बताता हूँ क्यों डेबिट हुआ, सेल्स की वजह से। अब इसीलिए सेल्स में मुझे 2 एंट्रीज करनी पड़ेंगी इनको बैलेंस करने के लिए, ये याद रखिएगा। सेल्स में मुझे बताना पड़ेगा कि बैंक में 10 लाख की वजह से और 20 लाख की वजह से अकाउंट रिसीवेबल नदीम। ठीक है, तो सेल्स में 2 एंट्रीज होंगी ये, अकाउंट रिसीवेबल नदीम की भी और बैंक की भी, क्योंकि एक दफ़ा बैंक में किया तो एक दफ़ा इधर किया, एक दफ़ा नदीम में किया तो एक दफ़ा यहाँ पे किया। 20 लाख की थी ना वहाँ पे, देखें 20 लाख की थी, जनरल में नज़र आ रहा है, ये रहा अकाउंट रिसीवेबल नदीम डेबिट हुआ था 20 लाख से, तो अकाउंट रिसीवेबल नदीम 20 लाख से डेबिट हुआ। बस ये ख्याल रखिए, जो चीज़ डेबिट हो रही है वो डेबिट हो, जो चीज़ क्रेडिट हो रही है वो क्रेडिट पर लिखें, ऐसा ना हो कि डेबिट की चीज़ को क्रेडिट पर लिख दिया। अब जो है ना ये कैलकुलेशन की वजह से गलत हो सकती हैं। आखिरी एंट्री चल रही है जी, वेरी गुड, ज़बरदस्त काम तमाम होने वाला है हमारा, मतलब हमारे सवाल का। अगला है वैन डेबिट हुई है 1,20,000 से और बैंक क्रेडिट हुआ है 1,20,000 से, फटाफट मैंने बैंक को क्रेडिट किया 1,20,000 से, 1,20,000 से क्रेडिट किया बैंक को क्योंकि वैन आई थी, और फटाफट वैन को डेबिट किया 1,20,000 से क्योंकि बैंक से आए थे, बैंक क्रेडिट हुआ, वैन डेबिट हो गई 1,20,000 से। अब फटाफट हम देखते हैं अगली अपनी एंट्रीज, बस लास्ट की एंट्रीज चल रही हैं। तो कैश और सेल्स, कैश 12,50,000 कैश आए थे, डेबिट हुआ था, और सेल्स जो है वो 12,50,000 क्रेडिट हुई है। ओके, कैश का अकाउंट खोला, डेबिट किया 12,50,000 और लिखा सेल्स की वजह से आए, फटाफट सेल्स का अकाउंट खोला और लिखा 12,50,000 और बोला ये कैश की वजह से आया। आखिरी एंट्रीज हैं भाई, आखिरी गिर गए दाम, हो गई शाम। ठीक है, शाम हो जाती है दाम गिर जाते हैं ना, आखिरी माल बचा होता है, लोग ये कह के बेचते हैं आखिरी माल ले जाओ भाई, आखिरी का बचा माल, हो गई शाम गिर गए दाम, हो गई शाम गिर गए दाम। तो आखिरी सवाल है, बैंक में आए 8 लाख रुपए और नदीम एंड को ने पे किए, 8 लाख ही थे ना ये, यस, नदीम एंड को क्रेडिट और बैंक डेबिट। बस ये मैं अभी लिख लेता हूँ, ये रहा हमारा बैंक, इसको डेबिट किया 8 लाख रुपए से, किसकी वजह से, नदीम एंड को की वजह से, नदीम एंड को अकाउंट रिसीवेबल था हमारा और नदीम एंड को में जाके 8 लाख रुपए को क्रेडिट कर दिया, चाहे भाई नदीम एंड को
सईद, अलीम, कहाँ गया नदीम, नदीम भाई ये रहे, नदीम एंड को 8 लाख रुपए से क्रेडिट कर दिया। क्योंकि बैंक में पैसे आए, ये हमारी एंट्रीज हो गई कंप्लीट। ठीक है, ये हमारा जनरल लेजर हो गया कंप्लीट। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें ब्यूटी क्या थी, इसमें ऐसी क्या खूबसूरती थी, इसमें ऐसी क्या ख़ास बात थी कि जनरल लेजर को इतनी ज़रूरी बनाया गया। ये अकाउंटेंट 6 बजे के बाद बैठ के क्या करते हैं, अगर बुक कीपिंग किताबों पर हो रही हो, हाथ से की जा रही हो, तो ऑफिस के बाद अकाउंटेंट बैठे क्या कर रहे होते हैं, ये आपको यहाँ से समझ में आएगा। ज़रा आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आगे समझाता हूँ। आप ये देखिए इसकी खूबसूरती कि अब मैंने कैश का पेज खोला, ये एक पेज है, एक टी अकाउंट एक पेज को रिफ्लेक्ट करता है। मैंने कैश का अकाउंट खोला और मैंने बताया कि भाई कैश की साइड पे 20 लाख रुपए पहले आए, 12 लाख 50 रुपए फिर आए और 3 लाख रुपए गए। तो मैं अब बता सकता हूं कि कैश का बैलेंस कितना बचा है हमारे पास। निकालो भाई कैलकुलेटर फटाफट, मोबाइल देना। अकाउंटिंग में आपको कैलकुलेटर चाहिए होगा, ठीक है, अकाउंटिंग में कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, यूज़ करना है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है अगर आप हाथ से कर रहे हो। तो 20 लाख कैश आया, ठीक है, 20 लाख कैश आया, हमने प्लस किया, फिर 12 लाख, बल्कि मैं आपको इसी में करके दिखाता हूँ ना, ताकि आपको यहाँ भी तो नज़र आए, ठीक है, 20 लाख कैश आया, फिर 12 लाख 50 हज़ार कैश आया, और उसमें से जो माइनस हुआ यानी क्रेडिट हुआ वो कितना था, ये देखिए 3 लाख क्रेडिट था। तो सारे डेबिट ऐड होंगे, उसमें सारे क्रेडिट लेस हो जाएंगे, तो क्या अमाउंट बची, 29 लाख 50 हज़ार। जो साइड छोटी होगी उसको पूरा करने के लिए लिखेंगे वहां पे अमाउंट 29 लाख 50 हज़ार। इसके आगे लिखेंगे बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, ये अगले महीने चला जाएगा, इतना बैलेंस बचा है हमारे पास कैश में। यूं कोई हमसे अगर जनरल जनरल देख के बोलता भाई बताओ तुम्हारे पास कितना कैश है, भाई हमें क्या पता कितना कैश है, यहां से क्या बताएंगे कैश कितना है, कभी कैश की एंट्री कहीं हुई है, कभी कैश की एंट्री कहीं हुई है। अब शाम को बैठ के सारी एंट्री जब मैंने लेजर्स में उतार ली, तो अब मैं बता सकता हूँ कि मेरे पास कैश में सारा महीने का या सारा दिन का, जब भी मैंने लेजर को क्लोज किया, ये हिसाब है कि 29 लाख 50 हज़ार कैरीड फॉरवर्ड है। अगले महीने जब भी लेजर खुलेगा तो मैं लिखूंगा पहले बैलेंस, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कितना, ये अमाउंट यहाँ आएगी 29 लाख 50 हज़ार, यहाँ से काम शुरू होगा, ठीक है। तो अब मैं देख के बता सकता हूँ मेरे पास कितना, मैं बता सकता हूँ बैंक में कितना बैलेंस है, अभी बताता हूँ। अब देखिए मैं आपके स्क्रीन के कैलकुलेटर पर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बैंक की एंट्रीज बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं इसको अपने पास कर लेता हूँ जल्दी से। 8 मिलियन जमा, सारी डेबिट जमा करता हूँ पहले, जमा 7 लाख, जमा 1.5 लाख, जमा 1 मिलियन, जमा 8 लाख, ये हो गई साइड, पेंसिल से लिख लेते हैं इसको अपने पास, इसलिए 10,650,000, ठीक है, इस साइड को टोटल कर लेते हैं, ये पेंसिल से लिखा जाता है पहले ताकि याद रहे, 200,000 जमा 25 मिलियन, ओए ओए 25 मिलियन था मुझे लग रहा है, लैक था, अच्छा 2500,000, सॉरी 2500,000, हाँ ये बच्चे अच्छे होते हैं जो गलती देखते रहे, जमा 1 मिलियन, जमा 1,20,000, ये टोटल बन रहा है 3,820,000, ठीक है। कौन सा बड़ा है, 10 मिलियन या 3 मिलियन, 10 मिलियन बड़ा है, तो बैलेंस यहाँ बनेगा, जो साइड छोटी होगी इसको पूरा करने के लिए। बैलेंस कैसे बनता है, 10,650,000 में से माइनस करेंगे 3,820,000, क्या बैलेंस बचा,
6,830,000 जो पेंसिल से लिखा हुआ है उसको मिटा देंगे फिर। तो ये हमारा बैलेंस, इसको क्या कहते हैं, कैरिड फॉरवर्ड है, अगले महीने जाएगा आगे, ये अमाउंट बची है हमारे पास बैंक में। तो हम आराम से देख के बता सकते हैं कि इस वक्त बैंक में कितने पैसे पड़े हैं। और कोई पूछे बैंक में इतने पैसे पड़े क्यों पड़े, मैंने तो 80 लाख जमा कराए थे, ये 6 लाख, ये 60 लाख, 68 लाख कैसे पड़े, आप यहीं देख के बता सकते हैं कि भाई ये 2 लाख रुपए निकले थे रेंट के। अब आपको ही पता चल रहा है कि काउंटर अमाउंट, काउंटर लव्स क्यों लिखा जाता है, क्योंकि जब बैंक से 2 लाख रुपए निकले हुए नजर आएंगे तो एकदम से दिमाग में आएगा ये 2 लाख रुपए क्यों निकले, तो वहीं साइड में लिखा हुआ है कि इस वजह से निकले थे। ठीक है, तो ये अमाउंट देख के आप किसी को हाथ के हाथ हिसाब बता सकते हैं, भाई बैंक में से 2 लाख इसलिए निकले थे, परचेजेस की थी इसमें से 25 लाख की आपने, भाई आपने 1 लाख, 1 मिलियन जो है वो सैलरीज दी हैं, भाई आपने वैन के पैसे खर्च किए हैं 12 लाख रुपए, ये कुछ अमाउंट गलत लिख दिए, 1,20,000 लिख दिए, 12 लाख था, यहाँ पे गलती हो जाएगी, तो इसको सही कर लीजिएगा, जो अमाउंट्स हैं वो सही होनी चाहिए, वरना टोटल बैलेंस गलत आता है, ये 1,20,000 नहीं है, ये 12 लाख है, 1,200,000, तो फिर ये बैंक का बैलेंस चेंज होगा, मैं सही करके बताता हूँ। ठीक है जी, इसको मैंने करेक्ट कर लिया, ये बच्चों ने याद नहीं दिलाया, मुझे भी गौर से मैंने नहीं देखा कि ये अमाउंट जो है वो 12 लाख नहीं है, 1,20,000 रुपये है। ठीक है, इसी तरह से हम हर एक के बारे में बता सकते हैं कि अमाउंट पेएबल, ये सुमरो साहब को हमने कितने पैसे देने हैं भाई, अभी तक नहीं पे किए हैं, ये 9.5 लाख रुपये चलेगा हमारे हिसाब किताब से। हम बता सकते हैं कि परचेजेज इस साल हमने कितने लाख की हैं, 5 लाख और 25 लाख, कितनी अमाउंट बनी, 30 लाख, 3 मिलियन की परचेजेस की हैं, कैरिड फॉरवर्ड बैलेंस, कैरिड फॉरवर्ड जो अगले साल आगे जाएगी, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड आएगी। हम बता सकते हैं कि इस महीने हमने या इस साल हमने जो भी पीरियड हमने लिया है इसमें सेल्स कितने की हैं। हम बता सकते हैं कि अलीम साहब का अकाउंट पेबल कितना बाकी है, हमने 5 लाख की परचेज की थी, 3 लाख वापस कर दिया, तो 2 लाख रुपये का हिसाब हमने उनको देना है अभी बाकी। एक एक बंदे का एक एक हिसाब इसमें अलग अलग से निकल के आ जाता है, और इस तरह से आता है कि एक एक चुन्नी सी गलती भी हो गई ना, एक रुपए की भी आपने लिखने में गलती कर दी, तो खुद ब खुद आगे जाके ये समझ में आ जाएगा आपको कि कहीं गलती हुई है, कोई एंट्री गलत हो नहीं सकेगी इसमें, वो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। तो ये हमारा नेक्स्ट लेसन है। तो सेकंड स्टेज हमारा क्या हुआ, जनरल लेजर। टोटल हमारे स्टेजेस 5 हैं इसमें, पहला पड़ाव था जनरल, सारा दिमाग वहीं इस्तेमाल होना था, जनरल लेजर में कोई दिमाग इस्तेमाल नहीं हुआ, देखें सिर्फ वहाँ से उठा के यहाँ लिख रखना है, वहाँ से उठाना है यहाँ पे रखना है, वहाँ से उठाना है यहाँ पे रखना है, पोस्टिंग कहते हैं इसको, ठीक है, आपने पोस्ट करना है। जनरल लेजर को आपने आखिर में टैली टोटल कर देना है। फिर इसका अगला जो स्टेप होता है, स्टेप नंबर 3, वो होता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, जितने भी लेजर्स के टोटल आएंगे ना, ये बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, सारे एक जगह लिख दिए जाएंगे, और सारे डेबिट के बैलेंस और सारे क्रेडिट के बैलेंस अमाउंट बराबर आनी चाहिए, अगर 1 रुपये का भी ऊपर नीचे है तो आप समझ जाएं आपसे कोई गलती हुई है। तो खुद ब खुद ये जो है ना, ये सिस्टम इतना ज़बरदस्त है, खुद ब खुद ये करेक्शन आपको बताया था कि आपने सारी अमाउंट्स करेक्ट लिखी हैं, अगर कोई एक अमाउंट भी आगे पीछे की, 1 0 भी ऊपर नीचे हुआ, ट्रायल बैलेंस आपका इक्वल नहीं आएगा खुद ब खुद, फिर आप और उसमें ट्रेस करने की टेक्निक है ना, आप एग्जैक्टली बता सकते हैं कहाँ गलती हुई होगी, ये बता सकते हैं आप उसमें कहाँ गलती हुई होगी। ठीक है, फिर ट्रायल बैलेंस से हमारी फाइनल फिगर्स बनती हैं, जिसको दो हम कहते हैं, एक का नाम है इनकम स्टेटमेंट, दूसरे का नाम है बैलेंस शीट, और हमारा अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है, हम आखिर में फारिग हो जाते हैं, साल का एंड हो जाता है हमारा। ठीक है, तो उम्मीद है जनरल लेजर कुछ समझ में आ गया होगा, और जनरल लेजर की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सवाल आपको दे रहा हूँ, वो सवालों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा और मेरे सामने पेश होइएगा, मेरी खिदमत में हाजिर होइएगा, ताकि फिर मैं आपको ट्रायल बैलेंस निकालना सिखाऊँ। जनरल लेजर आपके पास बहुत सारे बने हुए हो ना, फिर ट्रायल बैलेंस निकालने में मज़ा आता है, और फिर उसमें गलतियाँ ढूंढने में मज़ा आता है। ठीक है, तो अब तक जितने भी सवाल हमने किए हैं आप लोगों को दिए, उन सबके आप लोगों ने जनरल लेजर कंप्लीट करके कल मेरे पास आना है। ठीक है, यहाँ तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।